जी, इस वीडियो में मैं आपको होम टैब जो है एक्सेल का वो सारा का सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। होम टैब बहुत ही लाजमी है, अगर ये आप शॉर्ट एक्सेल कोर्स कर लेते हैं तो आई विल डेफिनेटली श्योर यू यू विल बी एबल टू वर्क ऑन एक्सेल परफेक्टली एंड सुपर प्रोफेशनली। सो सबसे पहले होम टैब को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास होम टैब में कट है, कॉपी है, फॉर्मेटिंग है, तो ये वाले एरिया को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, या मैं लिख लेता हूँ कुछ भी शॉर्ट कंप्यूटर कोर्स। ठीक है जी, तो ये देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लाता हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए पेस्ट हो गया। अब कट क्या है, अगर मैं ऐसे कट करता हूँ तो ये अपनी स्पेस चेंज कर देगा, जहाँ पर भी मैं पेस्ट करूँगा ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये वाला एरिया आपको एक्सप्लेन हो गया। फॉर्मेटिंग क्या है जी, फॉर्मेटिंग ये है कि जी मैं यहाँ पर इसको कलर कोई दे देता हूँ, उसके बाद इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, अब यही चीज जो है ना, मैं इस वाले सेल में जाता हूँ तो मैं इसका फॉर्मेट यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर कुछ भी, दिस इज गुड शॉर्ट कोर्स। तो ये देखें सेम टू सेम फॉर्मेट रहेगा, चाहे राइटिंग कुछ भी हो फॉर्मेट सेम रहेगा। तो ये वाला एरिया जो है मैंने होम टैब का एक्सप्लेन कर दिया, अब इसकी बारी है। अच्छा जी, यहाँ पर आप जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, जो सा बेटर हो, जो सा आपको अच्छा लगे। बहुत सारे यहाँ पर राइटिंग के डिजाइन्स दिए गए हैं, बहुत सारे डिजाइन्स हैं, बड़े बड़े प्यारे डिजाइन है। ये देखें आप कोई सा भी यहाँ पर राइटिंग का डिज़ाइन जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल ये वाला डिज़ाइन पसंद करता हूँ, ये वाला, यहाँ से ये वाला डिज़ाइन पसंद कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बी बी मीन्स बोल्ड, ये देखिए अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बोल्ड हो जाता है, दोबारा से क्लिक करता हूँ तो अनबोल्ड हो जाता है। ये देखें डिजाइन चेंज हो रहा है, अंडरलाइन, ये देखें इसे अब आपको अच्छे से समझ आएगी, ये देखें अंडरलाइन, ये देखें। अच्छा, लाइन को भी आप मजीद डबल लाइन भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें पहले थी सिंगल लाइन, इसे मैं थोड़ा सा विदाउट द अनफिल कर देता हूँ। ये देखें डबल लाइन, सिंगल लाइन और अनलाइन। ठीक है, यहाँ से डबल लाइन, सिंगल लाइन, अनलाइन। ठीक है, अब ये जो है ना बॉर्डर्स आप लगा सकते हैं, ये देखें बॉर्डर्स। अब बॉर्डर्स की भी किस्में हैं, आप बॉर्डर सिर्फ नीचे वाला लगाना चाहते हैं, बिलो बॉर्डर, अप बॉर्डर, ओके जी, राइट बॉर्डर। तो जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है, ये बॉर्डर आप लगा सकते हैं। आप उसके बाद यहाँ पर आप कलर्स, सेल्स को कलर्स, कोई भी सेल्स को कलर्स दे सकते हैं, जो सा कलर आपको पसंद आया वो वाला कलर दे सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आप राइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखें कोई भी राइटिंग का जो है ना कलर वो चेंज होता जा रहा है, ये देखें मैंने ब्लू कर दिए। उसके बाद यहाँ से आप साइजेस चेंज कर सकते हैं, ये देखें स्मॉल, बिग, हर तरह का साइज जो है ना आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप स्मॉल कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, बिग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये आपको बताता है जी, आप इसे और सेंटर करें, अप करें, लेफ्ट करें, राइट करें, डाउन करें। ठीक है,
तो ये वाले है, ये आप बाय स्पेस कर सकते हैं अच्छे से, राइट लेफ्ट आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आप राइटिंग को वर्टिकल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, जैसे भी आपको राइटिंग अच्छी लगे आप वैसे कर सकते हैं, एंगल्स में कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर मैं सक्सेसफुल कर देता हूँ दो कंप्यूटर, क्योंकि वहाँ पर सेंटेंस बड़ा था। ये देखिए तो इसे मैं लाइन ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं लाइन ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद ये मेरे पास आ जाता है जी सेल्स को मर्ज करना। ये देखिए दो सेल्स हैं, इनको मैं मर्ज कर सकता हूँ गूगल से। ये देखिए कोई भी एरिया को अगर मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ, बड़े से बड़े को छोटे से छोटे को, मैं इजीली मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है लेवल के, ये वाले जो कि मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, हमारे पास आ जाते हैं नंबर 100। यहाँ से आप परसेंटेज लगा सकते हैं। ठीक है, वन देखते हैं जी, तो यहाँ पर आप देखें परसेंटेज लगा सकते हैं। ठीक है, कॉमाज लगा सकते हैं, ये चेंजेस आप देखते हैं चेंजेस कैसी कैसी होती। ठीक है, ये देखें करेंसी साइन लगा सकते हैं, अकाउंटिंग साइन लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे टाइम में चेंज कर सकते हैं, इसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट इसके यूजेज हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 to 10 10 तक, और आपको अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो मैं बोल देता हूँ ग्रेटर देन 5, तो ये मुझे बता देता है हाईलाइट करके। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं लेस देन की बात करता हूँ, तो लेस देन भी मुझे वो इन्फॉर्म कर देगा। यहाँ पर जाता हूँ लेस देन 8, तो वो लेस देन को 8 कर देगा। इसी तरह से यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं येलो कलर, इस तरह से कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद टेबल्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको टेबल्स कैसे बनाने हैं, टेबल्स के टॉपिक के ऊपर अगर आते हैं, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ से कोई भी टेबल यूज़ कर सकते हैं। ये देखें आपके पास बने बनाए टेबल्स, रेडी टेबल्स जो आपको मिल जाएंगे। ये देखें सारे के सारे टेबल्स, कोई भी टेबल आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेबल्स यहाँ पर रेडी पड़े हुए हैं। कोई सा भी टेबल सेलेक्ट करें, यहाँ पर उसके टाइटल दें, और आपके पास टेबल आ जाता है। टेबल को मज़ीद आप कलर कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, टॉप रो कर सकते हैं, टेबल्स को मज़ीद जो है ना आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं, सेलेक्टर लगा सकते हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ये फिर डिज़ाइन में चला जाता है, क्योंकि आज मेरा टॉपिक होम टैब है, तो मैं होम टैब को ही एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर शॉर्ट कोर्स मैं एक दफ़ा फिर से लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर मुझे सेल्स के डिज़ाइन मिल जाते हैं, ये देखें डिफरेंट तरह के सेल्स के डिज़ाइन जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि ये वाला सेल का डिज़ाइन है, देखते जाएं सेल्स के डिज़ाइन सारे के सारे सेल्स के डिज़ाइन है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना, यहाँ से आप सेल्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी रो को भी डिलीट कर सकते हैं, पूरी की पूरी रो डिलीट हो गई। यहाँ पर सेल की वेथ को सेट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एंड पर आपको फार्मूला बता देता हूँ, ये भी फार्मूलाज आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, और ये